जल, भूमि, अग्नि, वायु। बहुत साल पहले चारों राष्ट्र आपस में शांति से रहते थे। फिर सब कुछ बदल गया जब अग्नि देश ने युद्ध छेड़ दी। जैसे आप नोटिस करते हैं इन अवतार द लास्ट एयरबेंडर के वहाँ पे अलग अलग नेशंस हैं जिनके अंदर किसी में फायर है, किसी में अर्थ है, किसी में एयर है, किसी में वाटर है, वैसे ही एंट ई स्पोर्ट्स कम्प्लीटली वॉज फोकस्ड ऑन देयर आइस सीरीज के कैबिनेट्स, यानी कि वाटर नेशन वाले कैबिनेट्स, आइस 511, आइस 211, आइस 130 AG, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन नाउ दे थॉट ऑफ जस्ट जंपिंग टुवर्ड्स दिस एयर नेशन, और आज का जो वीडियो है ये उनके पहले एयर सीरीज के कैबिनेट के ऊपर है। दिस इज द वीडियो ऑन द एंट ई स्पोर्ट्स 510 एयर। ₹4,600 की प्राइस पे सेल होने वाला ये जो मिड टावर केस आप देख रहे हैं, ये है एंट ई स्पोर्ट्स का 510 एयर। इसमें आपको पहले से ही 4 ARGB फैंस मिल जाते हैं, 3 फ्रंट में हैं, 1 रियर में है, और इन चारों फैंस की RGB देख के लगता है कि यार मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब ये जो 510 एयर है ये सच में ही काफ़ी हवा महल टाइप का कैबिनेट है। फ्रंट में इसके पूरा ही मैश दिया हुआ है जिसके पीछे 3 120mm के फैंस लगे हुए हैं। फिर टॉप पे एक हनीकॉम मैश दिया हुआ है जिसके ऊपर ये मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर लग जाता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास दिया हुआ है। बॉटम में यहाँ पे 4 रबराइज फीट हैं। PSU के फैन के लिए यहाँ पे डस्ट फिल्टर फिर से दिया हुआ है। एंड रियर में वर्टिकल GP माउंट करने के लिए इसमें अगेन एरिया दिया हुआ है। अब आयो पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए 1 USB 3.0, 2 USB 2.0 एंड एक माइक्रोफोन जैक मिल जाता है, एक हेडफोन जैक मिल जाता है, एक पावर स्विच मिल जाता है, एक रीस्टार्ट स्विच मिल जाता है, और फिर ये RGB LED का स्विच मिल जाता है जिससे आप इसके फैंस की LED को साइकिल कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 1 eternity later 32, 33, 34, 35 तो अराउंड 40 प्रीसेट्स मिल जाते हैं आपको इस कैबिनेट के अंदर। लेकिन प्रीसेट्स के अलावा भी अगर आप चाहें तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट दिस कैबिनेट टू योर मदरबोर्ड। तो अगर आपकी मदरबोर्ड के अंदर RGB का पोर्ट है, दी ARGB वाला पोर्ट ऑन योर मदरबोर्ड, तो फिर आप वहां से भी इस कैबिनेट के RGB को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक मिस्टिक फ्रॉम MSI, ASUS का होता है, ऑरा सिंक एंड यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, तो आप उनसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब बारी आती है कैबिनेट के इंटीरियर की, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ऑल ब्लैक केबल्स। यहाँ पे आपको केबल मैनेजमेंट के लिए मिल जाता है 1 इंच का स्पेस। PSU के लिए यहाँ पे शाउड अवेलेबल है, उसके नीचे आपको 2 हार्ड ड्राइव माउंट करने के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे पीछे आप 2 एक्स्ट्रा 2.5 इंच की सॉलिड स्टेट ड्राइव भी ऐड कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट है, बस कोई रबर ग्रोमेट यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। एंड क्लोजली देखने पर समझ में आता है कि ये जो RGB फैंस है ना, ये एक बोर्ड से कनेक्टेड है। इनमें एक प्रोप्राइटरी कनेक्टर है जो कि सिर्फ इस बोर्ड के साथ में काम करता है। तो अगर आप इन फैंस को किसी और कंप्यूटर में या किसी और कैबिनेट के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो ये वाले जो फैंस हैं वो किसी और कंप्यूटर या किसी और कैबिनेट के अंदर काम नहीं करेंगे। दीज फैंस विल ओनली वर्क विद दिस स्पेसिफिक हब या बोर्ड। अब इसके पहले कि हम इस वीडियो को और कंटिन्यू करें, आई श्योरली वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग कि आई डू एक्चुअली रिकमेंड दिस कैबिनेट। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं टू बाय अ कैबिनेट ऑफ अराउंड 4,500 रुपये के आसपास में, तो आप इसको श्योरली कंसिडर कर सकते हैं। इसकी अफिलिएट लिंक यानी कि इसकी जो परचेस लिंक है, दैट विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आप परचेस करें तो प्लीज़ कंसिडर करें टू बाय दिस सामान फ्रॉम द अफिलिएट लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, बिकॉज दैट इज़ रियली गोना हेल्प मी आउट। अब बात करते हैं कि व्हाई डू आई एक्चुअली रिकमेंड दिस थिंग। तो बहुत ही सिंपल 3 रीजंस आपके पास में मिलते हैं यहाँ पे। जो पहला रीज़न है वो ये है कि ये एक काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेटेड कैबिनेट है, यानी कि पूरा का पूरा ये हवा महल है। यहाँ पे अगर आप राइजन का R750 800X लगाते हैं, लाइक इवन दिस थिंग, अगर आप ये भी लगाते हैं और इसके साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं बड़ा ही हाई एंड ग्राफिक कार्ड लाइक 6700XT, तो ये सारे सामान लगाने के बाद भी द सिस्टम विल नॉट हीट अप, क्योंकि बहुत भर भर के यहाँ पे आपको प्रॉपरली वेंटिलेशन मिल जाता है। इसके अलावा एट दिस प्राइस पॉइंट जो दूसरे कैबिनेट्स आते हैं वो आपको 4 फैंस नहीं देते हैं, कुछ इकड़ दुकड़ देते हैं फॉर श्योर, लेकिन उनमें इतना अच्छा वेंटिलेशन नहीं है। तो ये वो कैबिनेट है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा वेंटिलेशन मिल जाता है, प्लस यू ऑल्सो गेट 4 प्रॉपर ARGB फैंस जो कि भले ही प्रोप्राइटरी हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन दिस सेम वीडियो, लेकिन वो जो 4 फैंस हैं वो प्रॉपरली काम करते हैं। एंड आई बेसिकली लव दिस प्रीसेट ऑफ रेनबो, तो ये तो बड़ा ही सही प्रीसेट है।
और बिना मदरबोर्ड कनेक्ट करे भी ये वाला प्रीसेट काम करता है. सो ग्रेट. अब जो थर्ड रीजन है व्हाई आई रिकमेंड दिस कैबिनेट टू पीपल, इसके इस मदरबोर्ड के अंदर, इस कैबिनेट के अंदर आपको मिलता है लगाने के लिए एक वर्टिकल जीपीयू माउंट. तो अगर आपको ग्राफिक कार्ड वर्टिकली माउंट करना हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, जबकि बाकी कैबिनेट्स के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन तो श्योरली नहीं मिलता है. तो इन केस यू वांट टू शो ऑफ योर फैंस ऑफ योर जीपीयू, दैट इज रियली पॉसिबल इन दिस 510 एयर ऑफ एंड ई स्पोर्ट्स. तो ये तो हो गए तीन रीजंस, अफिलिएट लिंक नीचे दी गई होगी. अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहला साउंड टेस्ट और दूसरा व्हाट इज द नेगेटिव फीचर ऑफ दिस कैबिनेट, क्योंकि देयर श्योरली इज वन. एज यू कैन हियर, ये काफी ज्यादा क्वाइट कैबिनेट है, बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है, हल्की फुल्की सी आती है आवाज, वो भी एयर कटने की. बाकी तो आई वुड रियली से वन ऑफ द मोस्ट क्वाइटेस्ट केस दैट आई हैव विटनेस्ड इन लाइक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो देयर इज दैट. अब साउंड टेस्ट सुनने के बाद में आई एम गोना गिव यू अ वेरी 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 बैड न्यूज. बैड न्यूज ये है कि आप इसके कैबिनेट के फैंस को, एक्चुअली फैंस की स्पीड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि जब भी ये फैंस ऑन होंगे ये सेम इसी स्पीड पे चलते जाते हैं, और इनकी जो स्पीड है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही मदरबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही बायोस से कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी स्पीड कंट्रोल होती ही नहीं है. रीज़न बीइंग वेरी सिंपल, रीज़न बीइंग दिस, ये वो हब है जिस हब की मदद से इसके जो फैंस हैं उनमें RGB जाती है, यानी कि लाइटिंग जाती है, एंड ऑफकोर्स जो स्पिन करने की पावर है वो भी इसी से जाती है. तो बेसिकली हब सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आपके पास में हब को कंट्रोल करने के लिए कोई तरीका नहीं है. देयर इज़ अ वे, लेकिन उससे आप सिर्फ और सिर्फ अपने RGB को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीड को कंट्रोल कर पाना इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस. लेकिन अगेन द होल पॉइंट इज कि ओवरऑल देखा जाए तो जब मैंने इसका साउंड टेस्ट किया था, ये कैबिनेट काफी ज्यादा क्वाइट कैबिनेट है, यानी कि काफी शांत कैबिनेट है. ओवरऑल जो स्पिन करते हैं फैंस उनमें से इतनी तेज आवाज बिल्कुल भी नहीं आती. इट्स अ वेरी सिंपल स्मूथ वॉइस कि हाँ एक या दो फैन घूम रहे हैं, हल्के फुल्के घूम रहे हैं, बिकॉज अगेन ज़्यादा तेज स्पीड पर ये घूमते नहीं हैं, और इनको ज़रूरत भी नहीं इतनी तेज घूमने के लिए, क्योंकि अगेन काफ़ी ज़्यादा ही वेंटिलेटेड है ये कैबिनेट. सो देयर इज़ दैट. तो इसलिए मेरे ख्याल से जो भी इन्होंने किया है काफ़ी बढ़िया किया है. लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपके पास में फैन कंट्रोल करने के लिए अगर आपको ऑप्शन मिल जाता तो दैट वुड हैव बीन द आइसिंग ऑन द केक. सो दैट इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस कैबिनेट. एंड आई वुड स्टिल से कि इफ समवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय देमसेल्फ अ कैबिनेट ऑफ अराउंड 4,500 रुपए के आसपास में, आई वुड स्टिल रिकमेंड दिस केस टू ऑल ऑफ यू. तो ये रहा आज का वीडियो, आई होप यू लाइक दिस थिंग, एंड इफ यू डिड तो प्लीज़ लाइक शेयर करें. एंड बाकी ये जो इसकी RGB है, आई डू लाइक इट, इट्स प्रिटी ब्राइट, एंड ओवरऑल देखा जाए इट्स 4.5 आउट ऑफ 5 वाला कैबिनेट. विद दैट सेड लाइक करें, कॉमेंट डाउन करें, एंड मिलते हैं द नेक्स्ट वन. टेक केयर, जॉनी आउट.